सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं यूजफुल वीडियो आपको दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं बिना किसी देरी किए हुए। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि सर रिजल्ट कब आएगा ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का। 4 साल हो चुके हैं, 5वां साल लगने वाला है रिजल्ट के लिए। कब तक इसकी भर्ती प्रक्रिया जो पूरी की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा? तो आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मुझे भी काफ़ी चिंता हो रही थी। काफ़ी समय हो चुका है भर्ती को भी और अभी तक कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अभी तक, जो कि विभाग का जो एक काम होता है आपको आगाह करना, इन्फॉर्मेशन देना, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जो एस्पिरेंट्स अगर वेट कर रहे हैं इतने समय से, उन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो विभाग बिल्कुल असफल रहा है इस चीज़ को लेके। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप पूछ रहे हो कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, राइट? और दूसरा ये पूछ रहे हो कि सर वैकेंसीज बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला, सबसे पहले आपको मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा, इसका आपको मैं अभी उत्तर देता हूँ। रिजल्ट तब आएगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। हम में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, पेपर भी लीक हो गया था, ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया, रीट लगा दिया, उसकी अभी सुनवाई 28 को या 29 को होनी है। हरियाणा राजस्थान में केसेस लगा रखे हैं बच्चों ने, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सुनवाई होगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही में कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो जब तक उन्हें कोर्ट की क्लियरेंस नहीं मिल जाती है तब तक ये चीज़ें, आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ गाइस, अभी तक ये जो स्टक हो रखा है ये इशू, ठीक है, रिजल्ट स्टक हो चुका है। जब तक कोई उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती, जब तक वो क्लियर आउट नहीं होता अच्छे तरीके से कि हाँ भाई अब ये रिजल्ट निकलने वाला, होने वाला है, बनने वाला है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइज, मैं मुझसे आप मत पूछें कि इसका रिजल्ट किस तारीख को आएगा, नहीं गाइज मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है इशू। ठीक है, 4 साल हो गए हैं, ये ऐसी पहली भर्ती होगी दुनिया में मेरे हिसाब से जिसको 5 साल लग रहे हैं। यार SSC GD को भी इतना टाइम नहीं लगा है, ठीक है, बात समझ रहे हो, GD को भी इतना समय नहीं लगा है जितना समय इसको लग रहा है। यार मतलब क्यों क्यों इतना डिपार्टमेंट निकम्मा हो गया, इतना डिपार्टमेंट क्यों ढीला हो चुका है चीज़ को लेके कि इतना समय लग रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट की आप भर्तियाँ 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करवा देते हो, बाकी सब ज्वाइनिंग करवा देते हो, ये कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की क्यों इतनी देरी लग रही है, क्यों इतनी देरी लग रही है? मैं सीधा डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि सर इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है? बड़े बड़े अहदे के जो लेवल जो पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, SI हो गया, आपके अच्छी और पोस्ट होगी, उनमें आप जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा के ज्वाइनिंग करवा देते बच्चों की। तो नीचे वाले जो गरीब बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 10th कर रखी है, 12th कर रखी, जो सिर्फ अपना एक अच्छा जिंदगी सुधारना चाहते हैं, भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? हम पागल थोड़ी ना बैठे हैं, 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी मिलने में कुछ नहीं आ रहा, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, हम क्या करें? हम ऐसे काफी बच्चों की एज भी पूरी हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, क्या करें हम? हमको कुछ रास्ता बताओ, हमें कोई नौकरी दिलाओ। आपको ट्रेड्समैन नहीं देना, आप सीधा बोल दें कि आपको रिजल्ट, हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये क्या बात है कि कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हो, कोई अपडेट ही नहीं दे रहे हो आप? यार आपकी वेबसाइट हम कितनी बार चेक करें, आपको जब भी हम फोन करते हैं आपके नंबर लगते ही नहीं है। 0112436948382 और 82 दोनों रिक्रूटमेंट बोर्ड के नंबर हैं, दोनों ही फोन नहीं उठाते हैं। ठीक है, ईमेल आपको करते हैं, आप ईमेल का आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो हम किसको अर्जी लगाएं? प्रधानमंत्री जी को लगाएं? अगर हम प्रधानमंत्री जी को अर्जी लगाते हैं तो वहां से भी 6-7 महीने लग जाएंगे, तो हम किसको, हम क्या करें, हम क्या, आप बताओ हम क्या करें? अब हम सिर्फ वीडियो बनाए, हम क्या करें बताओ? हम इतने पागल हो गए, इतने अंदर से अंडर डिप्रेशन जा चुके हैं गाइस, हम इतने, हम में से कितनों की एज निकल चुकी है, कितनों का पेपर अच्छा हुआ था लेकिन जब सुनने में मिलता है कि पेपर में नकल हुई है तो सबसे बुरा लगता है। तो ऐसा लगता है कि ऐसी शिक्षा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट में। मैं स्पेशली अगर मेरे को वीडियो ITBP का अधिकारी देख रहा है, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपको नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सर हमारे बारे में कुछ सोचिए, 5वां साल लगने वाला है, जिंदगी के बारे में सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है, आपके भी बच्चे होंगे, उनके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या सह सकते हो बताओ मुझे? यार 4 साल हो गए हैं, 5वां साल शुरू होने वाला है, हम क्या करें सर, हम बताओ, हम क्या मतलब जान ले लें, हम क्या चलते, हम क्या रास्ते पर चले चले हुए, क्या मतलब खुद को मार लें, क्या हम गाड़ी के नीचे आ जाएं, क्या करें? आप हमें कोई सोल्यूशन बताएं कि हम जब तक रिजल्ट नहीं आता हम तब तक क्या कर सकते हैं, आप हमें कोई जगह बता, हम कुछ हमें बताएं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम तब तक क्या करें, हम खाली बैठ के क्या करें बताओ, हमें कुछ बताओ।
अब ये मत बोलेगा कि तो क्या होगा डिपार्टमेंट अगर आईटीबीपी ने वैकेंसी रिजल्ट नहीं करा, बाकी डिपार्टमेंट तो है ना, तो हम क्यों बाकी के बारे? इसका मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हो कि बाकी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरो, इसका मतलब ये है कि आप नौकरी नहीं देना चाहते हो। सीधी सी बात है सर, हाथ जोड़ के विनती है, रिजल्ट जल्दी निकालिए, बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इवन मैंने भी एग्जाम दे रखा है, मैं भी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। मैं सर, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है एंड मेरे कुछ अपने एथिक्स हैं, मेरे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको मैं आगे, सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होती है, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। मैं अपनी जगह किसी और बच्चे को भर्ती होना देखना सही समझूंगा, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। मेरा रिजल्ट चाहे 40 नंबर आते हैं, चाहे 5 नंबर आते हैं या 50 नंबर आते हैं, मुझे उसको मतलब नहीं है, मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने एस्पिरेंट्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लड़ रहा हूँ, जो कि मैं जिंदगी में लड़ता रहूंगा। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है मैं उसका बता रहा हूँ। जो कागजों पे है वो उसको दुनिया नहीं मानती है, जो ग्राउंड लेवल पे चलता है उसको दुनिया मानती है, ठीक है? तो गाइस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आईटीबीपी कोई अधिकारी देख रहा है, प्लीज रिजल्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे, वेबसाइट के ऊपर कुछ अपलोड करें ताकि हमें समझ आए कि कुछ ना कुछ काम चल रहा है, नहीं तो हम भी। अगर आपको एक मैं रियलिटी बात बताता हूँ, आप शायद मेरे पर भरोसा ना करें, कुछ स्टेट के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जान भी दी है इस चीज़ के लिए, आपको पता है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर के लिए तैयारी करी थी, अपने माँ बाप के गहने बेच के, अपने ज़मीन बेच के स्टडी की थी, कोचिंग ली थी, और जब उनको पता चलता है कि पेपर में धांधली हुई थी, तो दोनों से दो बच्चों ने जान दे चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, वो ऑन रिटन ऑन कागज़ पे नहीं है, ठीक है, वो ऑन कागज़ पे नहीं है, जो वहाँ पे रह रहे बच्चे उन्होंने बता रखा है, जो ग्राउंड लेवल की जो घटनाएं होती है ना, कागज़ों पे नहीं होती। कोविड के केसेस, अगर सरकार बोलती कि 3,000 कोविड के केसेस दिन में आ रहे हैं ना, तो 6,000 होते हैं, ठीक है, स्टैट्स बता रहा हूँ आपको, स्टैट्स होते हैं ज़्यादा ऐसे। तो मैं ये बोलूँगा, कोई भी अगर अधिकारी देख रहा है, रिजल्ट के बारे में कुछ करो, हाथ जोड़ के विनती है आपके लिए, प्लीज़ करो, बच्चों को पागल ना कीजिए, सीधा बोलिए नौकरी देनी है नहीं देनी है, सिंपल सीधा सीधा बोलिए। नहीं कि आपको रिजल्ट निकालना, वो भी बता दीजिए, हमको पता लग जाएगा, हम कुछ और काम कर लेंगे, हम दिहाड़ी लगा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, हमको इस चीज़ हमको नहीं करना फालतू, हम समय वेस्ट कर रहे हैं आप हमारा। सर हाथ जोड़ के विनती है, कुछ अपडेट दें, नहीं तो आप सिंपल बोल दो कि आपका नहीं, आपको हम रिजल्ट, आपको हम ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे, सीधा बोल दो। क्योंकि मैं सर, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, अपने एस्पिरेंट्स के लिए, जो मुझे देख रहे हैं अभी, आप व्यूज देख रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हो सके तो आप इस वीडियो को टैग भी कर देना आगे चल के, प्लीज़ सर रिजल्ट के बारे में कुछ बताएं, हाथ जोड़ के विनती है। और गाइस जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ कुछ समय वेट कर लीजिए, जैसे रिजल्ट आएगा आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।